अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे नाचीज़ को फेरी प्रिंस कहते हैं। दोस्तों याद रखना, जहाँ 10 कुत्ते भौंक रहे हों वहाँ तुम 11वें मत बनना। जहाँ 2 जाहिल गुफ्तगू कर रहे हों वहाँ तुम 3रे मत बनना। जहाँ 4 बेवकूफ सर जुड़े बैठे हों वहाँ तुम 5वें मत बनना। 10 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। 100 गधे मिलकर भी एक दानिशमंदी का फैसला नहीं कर सकते। गधों और गीदड़ों में जाकर बैठोगे तो गधे और गीदड़ी बन जाओगे। जाहिलों और बेवकूफ़ों की सोबत में बैठोगे तो जाहिल और बेवकूफ़ ही बन जाओगे। तुम्हें उन्हीं से तो दूर रहना है जो नहीं जानते कि वो नहीं जानते, मगर वो ये समझते हैं कि वो सब जानते हैं। तुम्हें उन्हीं से तो बचकर चलना है जो सवाई रास्तों में बैठकर भौंकने के और कुछ नहीं करते। उनकी आवाज़ों से अपने कान बंद रखना, क्योंकि मैदान में खेलने वाला खिलाड़ी अगर तमाशाइयों के शोर पर ध्यान देगा तो वो कभी भी अपना खेल नहीं दिखा सकेगा। तुम्हारा अज़म, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा गोल जितना बड़ा होगा तुम्हारी मुश्किल भी उतनी ही बड़ी होगी। तुम्हारा इल्म, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सच जितना ताकतवर होगा तुम्हारा दुश्मन भी उतना ही ताकतवर होगा। खिलाड़ी बनकर हालात का मुकाबला करना, तमाशाई बनकर चीखना चिल्लाना और शोर मत मचाना। लोगों की बातों की परवाह मत करना, क्योंकि जब तुम कामयाबी हासिल कर लोगे तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। जो आज तुम्हें गलत समझते हैं अपनी मेहनत से उनके 14 तबक रोशन कर देना। भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है आना और जनाजा पढ़कर चले जाना। इससे पहले कि तुम्हारा जनाजा पढ़ा जाए, खुद को जितनी जल्दी हो सके इस डर और खौफ से आज़ाद कर लो। ये वो जंजीरें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये वो कमज़ोरी है जो तुम्हें कुछ कर गुजरने का हौसला पैदा नहीं होने देती। अगर तुम लोगों के मुंह बंद करना चाहते हो तो लोगों की सोच से बड़ा सोचो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। उस रास्ते पर चलो जिसमें भीड़ कम हो। इतना चलो कि तुम अकेले रह जाओ। इतना चलो कि तुम मिसाल बन जाओ। एक लाश बनकर जीने से अच्छा है तलाश बनकर जियो। उस मकसद के जिस कारण तुम इस दुनिया में आए हो, उस खौफ को फांसी पर लटका दो जो तुमसे कहता है नहीं तुम नहीं कर सकते। जियो मेरे दोस्तों, और ऐसे जियो कि जब मौत आए तो वह सिर्फ तुम्हारा जिस्म लेकर जाए, तुम्हारा नाम तुम्हारा काम हमेशा ज़िंदा रहे। इस वीडियो ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो उसे अपनी फैमिली और अपने दोस्तों में शेयर करें। फेरी प्रिंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।